तो दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने इस वाले 5200 मॉसफेट 200 वैट एम्पलीफायर बोर्ड का टेस्टिंग लेकर आपको बताया था। तो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, सेम इसी तरीके से जो है सेलकॉन कंपनी का मैंने यहाँ पे और एक ऑडियो बोर्ड लिया है, तो इसका हम टेस्टिंग लेने वाले हैं और साथ ही जो है इसका हम परफॉर्मेंस चेक करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सेलकॉन कंपनी का है, ये जो बोर्ड था ये सैलसॉन कंपनी का था। तो इसी दोनों के बीच में हम अभी कंपेयर कर कर देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। तो ये दोस्तों, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन दोनों ऑडियो बोर्ड के जो पार्ट्स लगे हुए हैं तो उनको हम अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो सैलसॉन कंपनी का बोर्ड है उसका जो मॉसफेट है वो टोशिबा कंपनी का है। सेम इसी तरीके से सैलकॉन कंपनी का भी जो मॉसफेट यहाँ पे यूज़ किया है वो भी टोशिबा कंपनी का ही है। ये देखिए दोस्तों, मतलब दोनों ऑडियो बोर्ड में जो है सेम मॉसफेट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अदर पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो भी लगभग सेम ही है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारे पार्ट्स जो है सेम टू सेम लगे हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे जो है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे रजिस्टर जो लगा हुआ है, यहाँ पे रजिस्टर इस टाइप का और यहाँ पे इस टाइप का है, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम ही है। सारे बाकी सारे पार्ट भी सेम है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पीकर कनेक्ट होगा तो यहाँ पर भी स्पीकर है, और यहाँ पे देखिए ऑडियो इनपुट तो यहाँ पर भी ऑडियो इनपुट, और यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए तो यहाँ पर भी सेम पावर सप्लाई के लिए सॉकेट यहाँ पर लगे हुए हैं। यानी कि लगभग सारे पार्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो ये दो वाले जो पार्ट लगे हैं, ये वाले जो है यहाँ पे छोटा है सैलसॉन के बोर्ड में, बाकी लगभग सेम है। और अगर इनके हीट सिंक की अगर बात करेंगे वो भी सेम है, और पीछे से भी अगर हम देखेंगे तो सर्किट सेम है। ये देखिए दोस्तों, हीट सिंक भी लगभग जो है इनका थिकनेस जो है सेम ही है। ये देखिए दोस्तों, सैलकॉन का जो है सिर्फ थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा है, बाकी सारा तो पार्ट सेम है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम कोई सॉन्ग प्ले करेंगे सर्किट पूरा कंप्लीट कर और चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे 24024 का ट्रांसफार्मर लिया है, इसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाला है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल ही स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरे आपको जानकारी दूंगा। तो अभी हम इसको, जो हमने सैलसॉन कंपनी का बोर्ड लिया था उसको हम इसको सप्लाई देंगे और चेक करेंगे, फिर उसके बाद में जो है इस वाले बोर्ड को हम कनेक्ट करेंगे सब सर्किट और उसका टेस्टिंग लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ पैनल लिया है, तो यहाँ से जो है मैं यहाँ पर इसको ऑडियो इनपुट यहाँ पर दे दूँगा इसके जगह पर। इसके सारे जो है सर्किट की जानकारी दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बता दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए, उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है सारे कनेक्शन मैंने कर दिए है, सिर्फ यहाँ पे जो है हमको ब्लूटूथ पैनल यहाँ पर अटैच करना है। तो अभी मैंने जैसे बताया था, यहाँ पर हम ब्लूटूथ पैनल का ऑडियो इनपुट देंगे और इसको मोबाइल बैटरी से सप्लाई देंगे, और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसको भी एसी सप्लाई देंगे और इसका जो है टेस्टिंग लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं वॉल्यूम दोनों का 35 पर रखने वाला हूँ दोनों वीडियो में, एक बार आप ज़रूर देखें। सेम वॉल्यूम पर हम इसका टेस्टिंग लेते हैं। प्ले बाय यूएसबी ड्राइव। दोस्तों, अभी हमने सैलसॉन कंपनी के बोर्ड का जो है परफॉर्मेंस चेक किया है, तो अभी हम सैलकॉन कंपनी का जो बोर्ड
है उसको हम सारे कनेक्शन करेंगे और इसका भी परफॉर्मेंस चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा जो ऑडियो बोर्ड है अच्छा परफॉर्मेंस देता है। देखिए दोस्तों, मुझे तो इन दोनों ऑडियो बोर्ड का जो ऑडियो आउटपुट का जो परफॉर्मेंस है लगभग मेरे को सेम ही लगा है, क्योंकि इनमें जो मॉसफेट यूज़ किया है वो भी लगभग तोशिबा कंपनी का है, सेम मॉसफेट है। आपको कौन से ऑडियो बोर्ड का परफॉर्मेंस अच्छा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।